नक्षत्रों पर शुरू हुई हमारी नई सीरीज के पिछले एपिसोड में जहां हमने बात की थी नक्षत्रों के रहस्यमय इतिहास पर, साथ ही ये भी जाना था कि ये कितने प्रकार के होते हैं और आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में तारों के इन समूहों को कितने तरह के नक्षत्रों में बांटा गया है। साथ ही साथ ये भी जाना था कि कैसे इन नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा मानव सभ्यता को बेहतर बनाने में। तो अब इसी सीरीज को जारी रखते हुए आज हम जानेंगे सर्दियों की ठंड भरी रातों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले और बेहद प्रसिद्ध नक्षत्र ओरायन के बारे में। ओरायन कॉन्स्टिलेशन या नक्षत्र पूरी दुनिया भर में कहीं पर से भी सेलेस्टियल इक्वेटर पर दिखाई देने वाला एक प्रसिद्ध नक्षत्र है। अब जिनको सेलेस्टियल इक्वेटर का नहीं पता है उनसे गुजारिश है कि इस टर्म और इससे मिलती जुलती अन्य टर्म्स को समझने के लिए आपको पहले पिछला एपिसोड देखना होगा, तभी आप इस टर्म को समझ पाएंगे। खैर, ओरायन नक्षत्र रात के आसमान में नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। माना जाता है कि ग्रीक माइथोलॉजी में ओरायन एक विशाल आकार का बहुत बड़ा शिकारी था, जिसको ज्यूस, जो ग्रीक माइथोलॉजी में आकाश और बिजली के देवता थे, इन्होंने ओरायन नामक इस बड़े शिकारी को तारों में तब्दील कर नक्षत्र के तौर पर आसमान तक पहुंचा दिया था। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इसके पीछे भी एक और कहानी छुपी हुई है। माना जाता है कि ओरायन प्लेडीज नामक सात बहनों के प्यार में पड़ गया था। ये सातों बहनें एटलस की पुत्रियां थीं। तब से ही ओरायन नामक ये शिकारी उनको पाने के लिए उनके पीछे पड़ा रहा। जब सातों बहनें उससे पीछा छुड़ाने में खुद से असमर्थ रहीं, तो उन्होंने ज्यूस से मदद की पुकार लगाई। ज्यूस ने भी उन सातों बहनों पर तरस खाकर उन्हें तारों में तब्दील कर आसमान में पहुंचा दिया। वहीं ओरायन को भी उन्हीं के निकट तारों के समूह में बदल दिया, जिसे आज हम ओरायन नक्षत्र के रूप में मानते और देखते हैं। ओरायन और प्लेडीज को देखकर आज भी ये माना जाता है कि ओरायन आज भी इन बहनों का पीछा कर रहा है। प्लेडीज तारों का ये समूह तोरस और ओरायन नामक नक्षत्रों के आसपास या कहें इनके बीच में मौजूद है। ऐसी ही बहुत सी कहानियों और मिथों से जुड़ा रहा है ओरायन नक्षत्र का इतिहास। सबसे पहले इस नक्षत्र के सबूत सन 1979 में पश्चिम जर्मनी की अच गुफाओं में एक विशाल हाथी दांत के रूप में मिले थे और माना जाता है कि चित्रण तकरीबन 32 से 38,000 साल पुराने हैं। ठीक ऐसे ही इस नक्षत्र की चर्चाएं या जिक्र दुनिया भर की कई पुरानी सभ्यताओं और मिथों में मिलता है, जैसे एंशियंट नियर ईस्ट, ग्रीक माइथोलॉजी, एशियन की पुरानी सभ्यताएं जिनमें शामिल है एंशियंट चाइनीज सभ्यता और भारतीय वैदिक संस्कृति में लिखी गई ऋग्वेदा में भी, जिसमें ओरायन नक्षत्र का उल्लेख एक मिर्गा यानी एक हिरण के रूप में किया गया है। यही नहीं, इस नक्षत्र का जिक्र यूरोपियन लोक साहित्य और एंशियंट अमेरिका में भी देखने को मिलता है। ओरायन नक्षत्र दरअसल पांच और दूसरे नक्षत्रों से घिरा हुआ है, जो है तौरस, एरिडेनस, लेपस, मोनोसिरोस और जेमिनी। वहीं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के अनुसार आकाश में दिखने वाले 88 नक्षत्रों में ओरायन नक्षत्र आकार को मद्देनजर रखते हुए 26वें पायदान पर आता है। इस नक्षत्र की सीमाएं यूजीन डेल पोर्टो द्वारा साल 1930 में इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत निर्धारित की गई थी, जिसमें इसके सूर्य के सापेक्ष राइट एसेंशन कोऑर्डिनेट्स हैं 4 घंटे 43.3 मिनट और 6 घंटे 25.5 मिनट। वहीं डेक्लिनेशन कोऑर्डिनेट्स हैं नॉर्थ साइड से +22.87 डिग्री और इक्वेटर से नीचे साउथ साइड से -10.97 डिग्री। वेल, अगर आप राइट एसेंशन और डेक्लिनेशन कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये समझना चाहते हैं तो इसका जिक्र भी हमने पहले एपिसोड में किया था। खैर, ओरायन नक्षत्र को उत्तरी गोलार्ध पर से सर्दियों के दौरान जनवरी से मार्च माह के बीच सबसे ज़्यादा चमकदार या कहें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध पर से यही नक्षत्र गर्मियों के दौरान देखा जा सकता है। वहीं ट्रॉपिक्स में ये इक्वेटर से ठीक 8 डिग्री जीनथ पर दिखाई पड़ता है। जीनथ वो इमेजिनरी पॉइंट होता है जो हमारी पर्टिकुलर लोकेशन पर ठीक ऊपर की ओर 90 डिग्री पर सेलेस्टियल स्फीयर की ओर पॉइंट करता है। अब अगर बात करें इस नक्षत्र में दिखाई देने वाले तारों की, तो वैसे तो ये नक्षत्र कई सितारों के समूहों का हिस्सा है, लेकिन आम तौर पर जो तारे इस नक्षत्र में सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई पड़ते हैं उनमें किनारों की ओर शामिल हैं रीगल, बेटलजूस, बेलेट्रिक्स और साइफ। तो वहीं केंद्र की ओर ओरायन बेल्ट में दिखाई पड़ते हैं अलनेतक, अलनेलम और मिंतका। इसी ओरायन नक्षत्र के बीच में ओरायन नेबुला भी मौजूद है, जो ओरायन सॉर्ड या हंटर सॉर्ड नाम से भी जानी जाती है। ओरायन बेल्ट और सॉर्ड में मौजूद ज़्यादातर तारे बेहद चमकीले और गर्म क्लास ओ और बी श्रेणी के ब्लू सुपर जायंट तारे हैं, जो कुछ गुच्छों में मिलकर बटे हुए हैं। इन्हीं गुच्छों को ओरायन OB1 एसोसिएशन नाम से भी जाना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि बीटलजूस कभी इन्हीं किसी गुच्छों का हिस्सा था, जो किसी तरह इन गुच्छों से निकलकर इस नक्षत्र के किनारे पर जा पहुंचा।
बीटलजूस इस नक्षत्र में ओरायन नामक इस शिकारी के दाहिने कंधे को प्रदर्शित करता है। वहीं ये तारा अल्फा ओरियनस नाम से भी जाना जाता है। इस तारे पर वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। इस नक्षत्र का दूसरा तारा रीगल है, जो बीटा ओरियनस नाम से भी जाना जाता है। ये बी टाइप क्लास का ब्लू सुपर जायंट तारा है और रात को दिखाई देने वाला छठा सबसे चमकदार तारा। ये भी अपनी कोर में हैवी एलिमेंट्स को काफी तेजी से फ्यूज कर रहा है और जल्द ही निकट भविष्य में सुपरनोवा हो सकता है। ये इस नक्षत्र में ओरायन शिकारी के बाएं पैर को प्रदर्शित करता है। वहीं बेलेट्रिक्स तारा, जो गामा ओरियनस नाम से भी जाना जाता है, एक बी क्लास का ब्लू जायंट स्टार है। ये बेहद छोटा है सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने के हिसाब से। ये रात के आसमान में दिखाई देने वाला 27वां चमकदार तारा है और ओरायन शिकारी के बाएं कंधे को प्रदर्शित करता है। वहीं मिंतका, अल्निलम और अल्नितक क्लास ओ, बी और ओ श्रेणी के तारे हैं और जाने जाते हैं डेल्टा एप्सिलॉन और जेटा ओरियनस नाम से। ये ओरायन शिकारी की बेल्ट को दर्शाते हैं। इनमें मिंतका जहां मल्टी स्टार सिस्टम है, तो अल्नितक एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। वहीं आखिरी बचा तारा, जो साइफ नाम से जाना जाता है, वो आकार और दूरी में लगभग रीगल जितना ही है और जाना जाता है इस नक्षत्र में ओरायन शिकारी के दाहिने पैर के तौर पर। इस नक्षत्र में दूसरे कम चमकीले तारे भी हैं, जैसे मीसा जो शिकारी के सिर के तौर पर, तो हस्या जो ओरायन शिकारी की तलवार की नोक के तौर पर जाना जाता है। वहीं सातों चमकीले तारों की चमक, दूरी और सूर्य के मुकाबले इनकी रेडियस का अंदाजा आप इस चार्ट की मदद से लगा सकते हैं। वेल, इस नक्षत्र में मौजूद कुछ चुनिंदा तारे ऐसे भी हैं जिनके पास समय अब कम ही बचा है, जो आने वाले कुछ लाखों सालों में इस नक्षत्र का हिस्सा नहीं होंगे, जिनमें पहला नाम बीटलजूस का ही आता है, उसके बाद रीगल, फिर इसी तरह से दूसरे भी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस समय का, जिसमें हम इन तारों को न सिर्फ देख पा रहे हैं बल्कि इनसे जुड़ी कहानियों और मिथों को सुन और सुना भी पा रहे हैं। वेल, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको वो देखना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीजें अलग पता चलेंगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मेरे अपलोड करते ही मिले। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।